आप नमस्कार वालेकुम नाजरिन पलपल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदी अकरम ईरान पर 24 घंटे से समय के अंदर में दोबारा इसराइली ड्रोनों से हमला किया गया है और ये दूसरा जो हमला हुआ है वो इराक सीरिया बॉर्डर पर तैनात ईरान के मिलिट्री ट्रक के ऊपर किया गया है जो कि भारी तबाही का मंजर देखने को मिला है पर ईरान पर 24 घंटे से कम के समय में हुए इजरायली ड्रोन के हमले से देश के संघी मानसिकता से जुड़े हुए लोग और देश की संघी मीडिया जो है वो काफी उत्साहित नजर आ रही है जहां ईरान पर हुए हमले को लेकर के हास्य पदक तरीके से अपनी बातों को सोशल मीडिया पर संघी मानसिकता से जुड़े हुए लोग दिखाई दिए ठीक वैसे ही जब इसराइल ने फिलिस्तीन पर हमला किया था तो आई स्टैंड विद इसराइल का हैशटैग चलाने लगे थे पर इस बार भी इसी तरीके की हरकत को अंजाम देते हुए संघी और संघी मीडिया नजर आई है सबसे पहले आप स्क्रीन पर यह ट्वीट देखिए ट्वीट में सुनील लिखता है कि ईरान का गजब हाल है आधी रात को ड्रोन आए और 12 जगहों पर अटैक करके गायब भयंकर तबाही ड्रोन फैक्ट्री तबाह न्यूक्लियर एजेंसी बिल्डिंग तबाह यूरोनियम प्रोसेसिंग प्लांट बर्बाद कर दिया अब ईरान कह रहा है अबे कौन मारा इसराइल मैंने नहीं अमेरिका मैंने नहीं नाटो मैंने नहीं मारा अब जो ये बारह जगह पर हमले की पुष्टि कर रहा है शायद इंटरनेशनल मीडिया की किसी भी वेबसाइट ने ये जानकारी तो कहीं साझा नहीं की हाँ पांच से छह जगह पर हमले की जानकारी दी और जो हमला किया गया इजरायली ड्रोन द्वारा कईयों को उसी जगह पर मार गिराया पर पांच जगह पर इजरायली ड्रोन जो हैं वो गिरे हैं जो कि भारी तबाही का मंजर के इलेक्ट्रॉनिक और पूरी मिलिट्री फोर्स तबाह कर दी ये तमाम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से निकाली गए इनके ज्ञान को निकालते हुए दिखाई दिए हैं तो वहीं आप स्क्रीन पर देखेंगे कि गोदी मीडिया ये लिखता है कि इजरायली ड्रोन विमानों में ईरान में घुसकर उड़ाई फैक्ट्री पुतिन को क्यों लगे मिर्ची अब ये तो हाल है संघी और संघी मीडिया का पर दरअसल सच्चाई क्या है क्या पूरी जानकारी सामने आई है एक बार इनकी आंखें खोल देने वाली रिपोर्ट पर नजर डालते हैं अज्ञात युद्धक विमानों ने रविवार शाम को डिर एजोर के पूर्व में अबुल कमल ग्रामीण इलाके में अलहरि के सीरियाई गांव में प्रश्न ट्रकों को निशाना पर रिपोर्ट्स के अनुसार घटना से होने का आरोप लगाने वाला एक वीडियो और सीरियन ऑब्जर्वेटरी में एक भी शामिल है, जहां मानव अधिकार की जानकारी के अनुसार ट्रकों का लक्ष्य विनाश और अंदर के लोगों को मौत के घाट उतारना था यह स्पष्ट नहीं था कि ट्रकों को टारगेट करने का क्या मतलब था क्योंकि 24 घंटे के अंदर ईरान के इस्फहान में ड्रोन हमले की रिपोर्ट के एक दिन से भी कम समय बाद ये रिपोर्ट सामने आई सूत्रों के ऑब्जर्वेटरी को बताया कि छह ट्रक इराक से आ रहे थे और उन्हें इजरायली ड्रोन द्वारा निशाना बनाया गया नवंबर के इसी क्षेत्र में कथित तौर पर कई ट्रकों को भी किसी तरह के हवाई हमलों में निशाना बनाया गया था उस समय समर्थक ईरानी मीडिया ने स्वीकार किया था कि 9 दिसंबर को ईंधन ट्रकों को टक्कर मार दी गई थी दिसंबर में आई एक अन्य रिपोर्ट में कहा गया था कि संवेदनशील सीमा क्षेत्र में एक और घटना हो सकती है यह क्षेत्र इराक सीरिया सीमा पर है और यहीं से ईरान कथित तौर पर हथियारों की तस्करी सीरिया और फिर हिजबुल्ला को कर, कराता है ईरान ने 2018 में इस क्षेत्र में एक आधार भी बनाया था और इससे पहले इराक समर्थक ईरान मिलिशियाई का तिब हिजबुल्ला का मुख्यालय अबू कमाल में था पिछले हफ्ते तनफ में अमेरिकी बेस को ड्रोन द्वारा निशाना बनाया गया था जो ईरान समर्थक मिलिशियाई द्वारा उड़ाया गया था तनफ सीरिया में जॉर्डन इराक सीमा के पास एक गैरिसन है जहां उनतीस जनवरी की शाम को ऑनलाइन पोस्ट किए गए वीडियो में किसी तरह का धमाका नजर आ रहा है और धमाके जैसी आवाज सुनाई दे रही है हालांकि यह पुष्टि करना असंभव था कि वीडियो अबू कमल का है या कहीं और का स्थानीय या क्षेत्रीय मीडिया होने का दावा करने वाली विभिन्न ऑनलाइन रिपोर्टों में तो यही कहा गया कि विस्फोटों में ईरानी समर्थित मिलिट्री को निशाना बनाया गया हालांकि यह ज्यादातर अटकलें ही थी क्योंकि मिलिट्री क्षेत्र में काम करती है और उन्होंने अतीत में लक्षित होने का दावा किया है जानकारी पुष्टि करती है कि हवाई हमले ने सीरियाई क्षेत्र के अंदर और इराकी सीमा के पास ईरानी मिलिट्री ट्रकों को जमावड़े को मारा है जबकि अभी भी मानव हताहतों के बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आई है किसी इंटरनेशनल रिपोर्ट ने यह दावा नहीं किया उमर अबू लेला की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि विस्फोट अलहरी नामक एक गांव के पास हुआ उमर अबू लीला एक पत्रकार ने बताया कि जानकारी पुष्टि करती है कि हवाई हमले ने सीरियाई क्षेत्र के अंदर और इराकी सीमा के पास मिलिट्री ट्रकों को टारगेट करते हुए उसे तबाह किया है जबकि मानव हताहतों के बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आई है इसी के बारे में आपको बता दें कि ईरान के केंद्रीय शहर से बड़ी खबर सामने आ रही जहां एक सैन्य संयंत्र में एक जोरदार धमाका होता है जिसका सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होता है ईरानी राज्य प्रसारक आई आर आई बी ने रविवार तड़के अपनी वेबसाइट पर यह जानकारी दी वहीं रक्षा मंत्रालय ने इसे एक नाकाम ड्रोन हमला बताया मंत्रालय ने यह नहीं बताया कि हमले को अंजाम देने का संदेह किस पर है इससे पहले आई ने अधिक विवरण दिए बिना बताया कि विस्फोट रक्षा मंत्रालय के गोला बारूद निर्माण केंद्रों में से एक में हुआ है इस दौरान एक ड्रोन को हम लोगों ने मार गिराया है और अन्य ड्रोनों को पकड़ लिया गया इसी पे भी नष्ट कर दिया गया है मंत्रालय ने साफ तौर पर कहा कि असफल हमले में ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है और किसी तरह की जानहानी नहीं हुई है हालांकि इस दौरान फैक्ट्री की छत को मामूली क्षति जरूर पहुंची है ईरानी रक्षा मंत्रालय ने अपने बयान में आगे यह साफ तौर पर कहा कि हमले में उनकी मिलिट्री फैक्ट्री को प्रभावित नहीं किया गया है मंत्रालय ने आगे यह भी कहा कि हमले की साजिश से देश के विकास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है मालूम हो कि पिछले कुछ सालों में ईरानी सैन्य परमाणु और औद्योगिक सुविधाओं के आसपास कई धमाके हुए हैं ताकि ईरान को डराया जा सके और आग भी लगी थी जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने आई थी पर अब यह उन संघी लोगों के मुंह पर और खासतौर पर संघी मीडिया के मुंह पर तमाचा है जो ये बोल रहा है कि भारी तबाही मचाई है जिन पर हमला हुआ जिन्होंने हमला किया उन्होंने अभी बताया नहीं और जिन पर हमला हुआ उन्होंने ये बताया कि मामली छत टूटी है ज्यादा जानमाल का नुकसान किसी का नहीं हुआ और यहाँ भारी तबाही हो गई ईरान में तमाम तरीके की तस्वीरें दिखाने की कोशिश संघी और संघी मीडिया द्वारा की गई मैं ऐसी ही तस्वीरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा दीजिए इजाजत शुक्रिया